नमस्ते जी। मम्मी ने दही मटकी जमाई है। आज वाली अच्छी जमी है ना? क्या देखा? 50 रुपया एक दिशा और देख। क्या इसमें दही की मटकी? सिर्फ मटकी सिर्फ मटकी मटकी मम्मी लाई है दही जमाने के लिए। कहाँ जा रही है सुबह सुबह? सारे रेडी कहाँ जा रही है? ये देखिए देखिए, ये 2 घंटे पहले से तैयार है, पर अब मेकअप तो पेगी। मेकअप नहीं करना, सिर्फ काजल लगाऊंगी। सुनो तो जल्दी रेडी हो, कहाँ जा रही हो? जा कर रही हो? कैंटीन। कैंटीन नहीं होता, कंटीन होता। आज मम्मी का नील जला बलता है। आज मम्मी का वही वाला नील जला बलता है। वो सब ना पता किसा बेटा का कौन है, किसा धनी का कौन है। आज अपने लिए कर रही शुद्ध स्वर्ग में जाऊं। एक दिन अगर पानी ना पीने से सीधा स्वर्ग का रास्ता खुलता, कोई गैस अगर खत्म हो जाता है ना, उसकी कोई आंट भीड़ नहीं, कोई उसका जवाब नहीं, सीधा स्वर्ग में जाएगा। मेरा बाप मरा था गैस में। अच्छा, ये कह रहे हैं आज का जो दिन है, उस दिन अगर कोई अगर इंसान चला जाता है दुनिया से, तो सीधा स्वर्ग में जाएगा। और आज के दिन इनके पिताजी स्वर्गवासी हो गए। तो आज हम जा रहे हैं कैंटीन। कैंटीन है, कैंटीन जा रहे हैं। पैरामिलिट्री कैंटीन। घर का सामान लेने जा रहे हैं आप? मैं मेरे को जबरदस्ती घसीटा जा रहा है ये सब में। अच्छा। ठीक है, मैं तो मुझे बचपन से जाना पसंद नहीं है। बचपन में मम्मी क्या मुझे लाइन में लगने भेजती थी सुबह सुबह, जा कंटीन में लाइन में लग जा। छुट्टी वाले दिन हम सोचते थे सुबह सोएंगे, मम्मी उठा के कंटीन की लाइन में लगा देती थी। और एक दिन मैं एक दिन मैंने ऐसा सामान लाया, उसके बाद मम्मी ने हाथ जोड़ लिए, खुश जाती है। मम्मी बोली 1 किलो बेसन ले आइयो, और मैं 1 किलो हल्दी ले आई। मम्मी सालों सालों से चलाती रही। किसी और ने प्लान बनाया था आज भाई, जो आप सोचते थे? हाँ, कोई और आज छुट्टी वाले दिन सोना चाह रहा था। आज सारिका को हमारे परिवार की परंपरा प्रतिष्ठा से रूबरू करवाते हैं, कैसे कैंटीन में जाके लाइनों में लगते हैं और सामान लेके आते हैं। कही है, पर ये कैंटीन अलग है। इसको झोला क्यों बोलते हो? इसको ट्रक घोषित क्यों नहीं कर देते? इसमें भी ज्यादा सामान देख तो लो, सब्जी लेने का सी हो मेरा। बैंक लूटने नहीं जा रहे, सामान लेने जा रहे हैं। मेरे को सपना आया, पता नहीं क्या सपना आया। बंद करो यार, रोज सपने आते रहते हैं। रोज सपने आते हैं ना। सुन तो, साइकिल पे नहीं, रिक्शा है। हरीश की रिक्शा चला रहा है और मैं और सारिका पीछे बैठे हैं, और हरीश ना रिक्शे का हैंडल तोड़ देता है, और ना और बताता भी नहीं है कि टूट गया, और हाथ से खींच के लेके जा रहा है रिक्शे को, पुलिस वाला पकड़ लेता है। मतलब आप कहते हैं अंदर पीछे बैठे रिक्शा का हैंडल टूट गया। मैं ऐसे करके बैठा हूँ ना, ऐसे करके रिक्शा के। तो फिर मैं कहता हूँ यार सुनो, तो सुनो, अरे मेरा बाप है। वेलकम टू योर टफ एंड स्टाइलिश TUV 300। हेलो गाइस, आज पीछे क्यों नहीं बैठ रही? पहले तो तू पीछे बैठती थी। कब बैठती थी पीछे? आज कोई बड़ा नहीं है। अच्छा, ये ऐसा कौन सा लॉजिक है कि बड़ा होगा तो पीछे बैठना है? आगे बैठने से इज्जत मिलती है। बोनस पे बैठा दो, ज्यादा बड़ा देखो पीछे जगह ही नहीं छोड़ी है। आगे देखियो, इतने छोटे से पाँव है, करना आगे आती नहीं है। जो बस में जाते हैं ना, उनको दिक्कत आती है। तो कोई मुझे कह रहा था वेट कम करना है। मैं वेट कम कर रही हूं। और अभी क्या क्या कह रही है, क्या खाना है? भंडारा देख के मुंह पानी। नहीं नहीं नहीं, आज शाम को क्या खाएंगे? शाम को नहीं, मैंने कहा आज शाम को तीखे तीखे। मैंने कहा कहीं मिल जाएगा फ्री होके तो तीखे तीखे, नींबू डाल के एकदम, हरी मिर्च अचार, छोले और कुलचे गोल वाले। मुँह में पानी आ गया। कैंटीन में अब यहाँ पे वीडियो बना सकते हैं या नहीं, अलाउ है या नहीं, लेट्स सी। फिर उसके बाद चलते हैं बाहर। कैसा लगा? अच्छा लगा, भीड़ नहीं थी ना? भीड़ नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है भीड़ नहीं होती होगी। अब यही होता है जब आप जो गलती से बिना भीड़ के काम ना सरकारी लोगों को सौंप देते हो, उसमें पता है क्या क्या यूजुअली क्या होता है, तुम मॉल वॉल में जाते हो, शॉपिंग करते हो, तो चेकिंग होती है। कैसे होती है? वो आदमी बंदा लिस्ट पकड़ के रखता है, आपके सामान से खुद चेक करता है और चीजें। यहाँ पे वो बंदा मस्त बैठा हुआ है टेबल टेबल पे है, और कह रहा
सामान सारा निकाल के बाहर रखो, फिर सारा सामान बाहर निकाल, फिर आराम से चेक कर, अरे इसको अब एक एक करके अंदर रखो। मैंने कहा तभी तुम्हारे यहाँ भीड़ होती है, तुम ऐसे अगर ऐसे चेक करोगे तो कभी आगे निकल ही नहीं पाओगे। कहाँ निकल के जाना, सरकारी नौकरी इससे आगे कहाँ जाए। पहले तो वो आती थी संदूक, आती थी पूरी बड़ी वाली, एक बहुत बड़ी आती थी। पापा मुझसे पूछ रहे थे, कह रहे वो बड़ी वाली संदूक एक ले लेते हैं और एक दो सूटकेस ले लेना। मैंने कहा संदूक रखेंगे कहाँ, वो संदूक नहीं बहुत बड़ी वो जो होती है स्टील की, पता नहीं किसकी, मैंने कहा रखेंगे कहाँ, एक कमरा तो उसके लिए चाहिए। गांव में रख लेते हैं क्योंकि गांव में स्पेस होता है। मैंने कहा यहाँ तो मतलब तीन कमरे हैं, उसमें हम एक में सामान ही सामान घुसा देंगे, अटैच, यहाँ इतना बड़ा पेटी। गाँव खेत दिखाओ, खेत गाइस, गाइस पगला कहीं जाते हो खेत गाइस, यहाँ क्रिकेट चल रहा है गाइस, वहाँ दिखाओ क्रिकेट चल रहा है गाइस। क्या आपने कभी सोचा है कि लड़कियों का पिंक कलर क्यों बोला जाता है, मतलब लड़कियों का इन द सेंस कि लड़कियों का फेवरेट कलर पिंक है, या जैसे अभी हमने देखा थाना भी पिंक कलर का बना दिया था, वुमेन्स सेल था। हाँ, और मैंने कई ऑटो भी देखे हैं जो पिंक कलर के होते हैं, वुमेन्स के लिए स्पेशल बस भी पिंक कलर की होती है। तो ये क्यों पिंक कलर ही क्यों, और कोई कलर क्यों नहीं? तो इस पे हमारे सर ने जवाब दिया है। चलो कपड़ों का तो समझ में आता है, और ये बस और थाने का क्या हिसाब किताब? देखो सबसे पहले पिंक कलर भी, और बहुत सारी चीजें ना तुम्हें पता है, फेस्टिवल, ये मदर्स डे सेलिब्रेशन, ये सारी चीजें ना एक्चुअल में मार्केटिंग शॉपिंग चीजें बढ़ाने के लिए किया गया है। पता है जिस लड़की ने मदर्स डे पहली बार सेलिब्रेट किया था और ये थीम बनाई थी कि हम मदर्स डे बनाएंगे, वो एक्चुअल में लड़की पछता रही थी अपने डिसीजन पे। क्यों? क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि मदर्स डे को कमर्शियलाइज कर दिया जाएगा, कि मदर्स के नाम पे गिफ्ट्स बेचे जाएंगे, फ्लावर्स बेचे जाएंगे, ये सारी चीजें बेचे जाएंगी, जस्ट टू कि मदर्स को स्पेशल फील कराना था, पर कुछ देके नहीं, उनके लिए कुछ अपने दिल से करके। तो आजकल क्या बन गया है कि केक दे दो, गिफ्ट दे दो, मदर्स डे पे केक कटा रहे हैं, फादर्स डे पे केक कटा रहे हैं। तो वैसे ही ताकि कोई भी लड़का लड़की एक जैसे कपड़े ना पहन पाए, जैसे अगर सारिका और मेरा सेम साइज भी है, हम हस्बैंड वाइफ भी है, फिर भी हम सेम साइज के कपड़े पहन ना सकें, इसीलिए थोड़ा सा कलर प्रेफरेंस दे रही। जैसे कि अगर सारिका के पास कोई ब्लू कलर की चीज़ है, और या हल्का सा उसमें, देखो लड़कियों की जींस में हल्का सा कोई लड़कियों वाला डिज़ाइन डाल दिया, हल्का सा कोई लड़कों वाला डिज़ाइन डाल दिया, तो लड़कियां तो तब भी आजकल वो मेंस वेयर, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड टी शर्ट और बॉयफ्रेंड जीन्स वगैरह पहन लेती हैं, पर लड़के तो वो भी नहीं पहन पाते। तो वो इसीलिए किया जाता है ताकि शॉपिंग ज्यादा हो, मार्केटिंग ज्यादा हो, प्रॉफिट ज्यादा हो। बॉयफ्रेंड कब पिंक कलर के आएंगे यार। मेरे लिए तो हम पिंक कलर कुछ और ही लाएंगे। क्या लाएगा? पिंक कलर का बॉयफ्रेंड चाहिए हरीश को। कोई पिंक बॉयफ्रेंड हो तो प्लीज हरीश को कॉन्टेक्ट करो, कॉन्टेक्ट ऑन इंस्टाग्राम। आजकल पिंक टी शर्ट तो पहन नहीं रहा है भाई साहब, आज फिर तूने ये टी शर्ट पहन ली, कल दो कमेंट आए थे। एक बात बताओ, लोग हमें बोलते हैं कि भाई पिंक टी शर्ट पहन ली, पिंक टी शर्ट। अरे भाई मेरी क्या गलती है, इसकी जिंदगी, इसको खरीदना है, अगला कमा रहा है, उसको पहनना है नहीं पहनना है अच्छा, वो उसकी प्रेफरेंस है ना, मेरे को क्यों बोल रहे होगी अच्छा। हरीश एक ही टी शर्ट पहनता है, पहनता है तू एक टी शर्ट, तेरे पे कपड़े नहीं है। अरे खत्म हो गए, दो टी शर्ट थी, एक आपने धोते टाइम फाड़ दी। अच्छा अब ये बची है, इसलिए घर पे बनियान पहनता हूँ, बाहर ये पहन लेता हूँ। कितनी गरीबी दिखा रहे भाई सब, कितना कमीना है। ये बोलो ना, ये बोलो ना, जानबूझ के नहीं खरीदता। पैसे बचा के ताले जाएगा, कौन से मार्केट में डालेगा? लोगों लगेगा ही नहीं, लव फ्रॉम हिसार के ऊपर उड़ाता है पैसे तो। अच्छा कौन यार, कौन लव फ्रॉम हिसार, हु इज लव फ्रॉम हिसार भाई? एक दिन मैं जरूर आप लोगों को मिलाऊंगी लव फ्रॉम हिसार। लव फ्रॉम हिसार अगर तुम देख रही हो तो किसी दिन ऐसी मेट्रो में दोबारा टकराना, और फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड करके और सबको पब्लिक कर दूंगी। दो नई टी शर्ट लाया, तो फिर कहो तो अभी बदल लूं। ना ना चल चल, जलील हो के फाइनली कल जब इसने दो कमेंट पड़े, कह रहा रोज मेरे टीपू लगातार तीन चार दिन से इसके टी शर्ट पे कमेंट आ रहे थे, तो फाइनली इसने टी शर्ट ले ही ली। अच्छा अगर ना करते मैं इसे घसीटता अभी। अच्छा इस टी शर्ट के विषय एक राज ये भी है कि ये टी शर्ट किसी खास ने दी है, पूनम दीदी ने गिफ्ट किया। ना झूठ मत बोल, पिंक ये पूनम दीदी ने। तो ये पिंक ना बहुत टाइम से तेरे पास पड़ी थी, पूछ लो फोन करके। मैं नहीं कलर की शर्ट मेरे दोस्त ने दिलाई थी। अच्छा, जो मैंने आपको दी थी, आपने अपने दोस्त को दे दी। अच्छा वो शर्ट थी। हाँ। इसको एक लड़की ने दी पिंक कलर की टी शर्ट। अरे भाई क्योंकि इसे पिंक बहुत पसंद है ना। हाँ तूने कहा था उसने दी है, पर मैंने पहनी नहीं आज तक, फिर तूने मुझे दे दी, वो शर्ट फिर वो मैंने किसी और को दे दी। येलो वाटरमेलन, ये तो ये प्रीमियम खा जाएगी इतना।
मेरा फेवरेट है वो। पर इसका टेस्ट सेम ही है रेड जैसा। सच्ची बताऊँ प्रीमियम के नाम पे सिर्फ ये रंग चेंज है। चलो विटामिन चलो नहीं 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 अच्छा है वो जूसी तो है। शुगर बेबी मेलन, वाओ शुगर बेबी मेलन नाम भी अलग है इसका। बड़ा प्यारा सा लग रहा है पर अभी मेरे पास इतना कॉपर का कमरे में रखने के लिए है। ये यही ग्लासेस अच्छा भी है यही अच्छा तो ये यही अच्छा लग रहा है यही अच्छा लग रहा है। नहीं तो हम लेते हैं ये सही है नींबू पानी बनाने के लिए। बाकी तुम्हें पता ही है समझदार लोग हैं। ये देखो बाहर से स्टील अंदर से कॉपर। कितने रुपए का एक गिलास है? 100 रुपए का एक है। 270 रुपए का एक ग्लास है। आवर प्राइस सर। अच्छा उनका प्राइस। क्या कर रहा है? किस चीज की ऐड है? ये है चूज योर किटकैट फ्रीडम फ्रॉम बाइंग ऑन MRP ऑल 65 डेज। स्मार्ट गिरी करो स्मार्ट गिरी। ये बच्ची बड़ी नहीं हो रही है। हाँ। इसके साथ के बुड्ढे होकर मर गए। ये बड़ी नहीं हो रही है। अब क्या रह गया? भग गया। चलो आ जाओ कलर अच्छा। चलो 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 अब चलते हैं। पूरा जमीन जायदाद बिक गई यार। दीदी आता हूँ अगली बार जेवर लेके। मैंने तो छोटे छोटे अजवाइन के पैकेट लिए उसके लिए कैसे घुसो गया। अब आप रखने को तो यार इसमें कुछ भी रख ले जाओ लेकिन हमारा काम है ड्यूटी मैडम वो तो करेंगे। अरे भैया गुस्सा नहीं हो मतलब कह रही हूँ कि वो तो अंदर रखे कैसे हाथ डालोगे। मैडम एक बार में 20-20 हज़ार ही कोई नहीं कोई नहीं स्टाफ से हम कैमरे के अंदर दिखाने की एक्टिंग करते हैं कि हम चेक कर रहे हैं उनसे। चेक तो भाई वो अपने पूरी पढ़वा दो तो अपने कैंटीन वाले ने चेक की थी वो चेक कर रहा था सही तो तसल्ली से बैठ के अरे भैया आ जाओ सारा सामान पहले टेबल पे रखो। एक तो ट्रॉली सीधी चलाना बहुत मुश्किल है। अंडे अंडे वो लड़की बेचारी को कह रही मैं आपको आप कह रहा नहीं 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 जैसे मेरे पास कोई आता है ना मुझे पहचानता है कहता मैंने कहा फिर वो चली गई। वो ऐसे आ रही थी वो इसी स्पीड से आई थी और मैंने कहा कुछ भी बोलो ये ट्रॉली लेके लगता तो अमीर चाहिए। ओह माय गॉड गाइस खरीद लेंगे ये मॉल और लेके आए हैं हम खड़ा मसाला। खड़ा मसाला तो लिया ही नहीं यार हरीश। कैसा लगा शॉपिंग करके? दो टी शर्ट लिए उसमें शॉपिंग करके। भाई सब जबर शॉपिंग करा दिए तुम्हें। शॉपिंग देखिए इधर इधर देखो ये शॉपिंग है। पिछली बार मैं मम्मी के साथ आया था जनवरी में तब हमारे भाई का विवाह नहीं हुआ था तो भाई ने 9 रुपए का फेस वॉश लिया था। आटा नहीं लिया था इस बार आटे के 2 पैकेट लिए। फेस वॉश बोला छोड़ दे आटा ले। यहाँ पे कुछ स्पेशल पनीर कुलचा मिल रहा है तो वो अभी हमने ऑर्डर किया है। लेट्स सी कैसा होता है। तो ना ये लोग चेकिंग तो करते हैं पर अगर मेरे बैग से बंदूक निकल जाए या बम निकल जाए तो इनके पास क्या रास्ता है? क्या करेंगे ये? हैं? क्या करेंगे ये बताइए। ये गमला उठा के ले चलेंगे बिल्कुल अपने गेट के एंट्री के पास रख देंगे जहाँ शुक्र रखा हुआ है। फिर गेट नहीं खुलेगा फिर गेट नहीं खुलेगा ये रख दिया जो इसका साइज है ना ये रख दिया फिर हमारा गेट नहीं खुलेगा जहाँ सोनिया आंटी का शुक्र रखा हुआ है। सर गाइस धोखा हो गया। उसने बोला था कुलचा देंगे पनीर कुलचा और ये सैंडविच लग रहा है मुझे। मैं उधर खड़ा हुआ उसने यहाँ से रखा हुआ था। मैं कहाँ है कुलचा कहाँ है
वगैरह भैया यही है ये। किसी का पनीर कुलचा खा के भी पेट नहीं भरा है। अब चूचू नान खाएगी। अब चूचू नान खाने जा रही है। मैं नहीं खाएगी, हरीश खाएगी। हरीश नहीं खाएगी, तुम खाओगे? हरीश के नाम का बिल फटा है बस। खाएगी मैं है? नहीं मैं नहीं खाएगी। नजरें मिला के कहिए ये बात जनता से। यहाँ पे बन रहा है चूचू नान और वो दीदी इतनी कर रही है मेहनत। अब आपने आपकी बात आज तक किसी को बताई? अंदर से ब्लॉग पता है क्यों बना के लाती है? ये चाय देने जाती है तो अंदर अंदर का ब्लॉग बना लेती है। किसको पता है कि घर पे सबूत तो चाहिए ना, तो ये करती है। और फिर और वो होता है कि लंबे टाइम से जब आप कहीं पर चाय वाला काम कर रहे हैं तो स्टाफ से जानकारी हो ही जाती है। जानकारी हो जाती है। हमारे हमारे ऑफिस के नीचे ना बल्ली है। एक तो आप बोलना बाद में शुरू किया करो, पहले कैमरा घुमाया करो। हमारे ऑफिस के नीचे एक बल्ली है, मतलब चाय वाला, बलराम नाम है उसको, बल्ली बुलाते हैं सब। एक दिन कह रहा हमें, कह रहा हमारा उसमें ऊपर कहीं जुगाड़ लगा दीजिए, इतना बढ़िया बना बना के खिलाएंगे ना, देखिए इतना चलेगा इतना चलेगा। हमने कहा भैया तेरा यही चल रहा है, ऊपर कुछ नहीं चलेगा, कोई नहीं खाता ऊपर, सिर्फ चाय चाय भी लोग नीचे पीने आते हैं। मजबूरी होती है जिनके पास टाइम नहीं है, नीचे कौन आठ फ्लोर नीचे उतर के आए, टाइम वेस्ट क्यों आते बाहर चाय। तो फिर इसलिए क्योंकि वो अंदर कैंटीन वाला बहुत ही वाहियत चाय बनाता है। बस सारी का कोई एंट्री अलाउड है ऊपर चाय देने के लिए? गेट पास बना हुआ है, आठ फ्लोर नीचे जाती है चाय खिलाती है, फिर आठ फ्लोर ऊपर जाते हैं। शारिक शारिक भैया चाय चाय भैया शारिक भैया चाय मैडम को भी देंगे, मैडम को भी देंगे चाय दे दो। यार हरीश क्या कर रहा है यार? ये देखो हरीश क्या कर रहा है यार, मुंह चल रहा है। ये तो मैंने ऐसे सब्जी चाट के देखी जी। खा लो कोई बात नहीं, शर्मा क्यों रहे हो? कोई बात नहीं, कभी कभी तुम्हारी डाइट ज्यादा हो जाती है, बाहर का तुम खा लेते हो, कोई बात नहीं खा लो। मेरा खा नहीं रहा हूँ, खा हरीश खा। मैं तो हरीश को खिला रहा हूँ। अच्छा खिला रहे हो, देखो जरा मैं कैसे खिलाती हूँ। ये हरीश को अब मुँह तुम्हारे मुँह में लग गया है क्या? अब ये अरे यार नहीं खाना यार, नहीं हरीश नहीं यार, नहीं हरीश आ गए गर्मी इतनी, ओ माय गॉड झुलस गया भाई साहब शरीर।